आज मैं इस वीडियो पर कियोसेरा कॉपियर मशीन का बहुत सारे फीचर्स में से एक खास फीचर के बारे में बताएंगे, और वो है कोई भी पेन ड्राइव को इस्तेमाल करके कियोसेरा मशीन पर कैसे प्रिंट और स्कैन कर सकते हैं। वैसे अ सीरीज ऑफ वीडियोज ऑन कियोसेरा कॉपियर मशीन हैज़ बीन पब्लिश्ड ऑन माई चैनल सो फार, और उन वीडियोज का लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिए हैं। अगर आप चाहें तो उन लिंक्स पर क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। उसके साथ आज का ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन, सो स्टिक विथ मी टिल द एंड। बगैर स्किप किए मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल संजीव। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल and hit the notification bell to never miss an update. So, let's get started. Kyocera copier machine पर pen drive से print निकालने के लिए पहले चलिए कुछ file को copy कर लेते हैं मेरा PC से। ये देखिए, मैंने मेरा pen drive को USB पोर्ट पर इंसर्ट कर दिए हैं। अब इसको ओपन कर लेते हैं। और मेरा पीसी से 3 PDF फाइल्स और 1 JPEG फाइल को इसमें कॉपी कर लेते हैं कियोसेरा कॉपियर मशीन पर प्रिंट करने की खातिर। ये देखिए, कॉपी हो चुके हैं। और अब हम पेन ड्राइव को मेरा पीसी का यूएसबी पोर्ट में से निकल लेते हैं। पेन ड्राइव पर फाइल्स कॉपी करने के बाद अब चलिए दोस्तों, मैं चले आए हैं मेरा कियोसेरा कॉपियर मशीन पर और पेन ड्राइव को इंसर्ट कर देते हैं इसकी यूएसबी पोर्ट पर। पेन ड्राइव को इंसर्ट करने के बाद अब हमको जाना है कियोसेरा कॉपियर मशीन का कंट्रोल पैनल पर। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट बॉक्स या यूएसबी बोल के जो बटन दिखाई दे रहा है उसी के ऊपर टैप कर देना है। टैप करते ही ये देखिए, एक ग्रीन लाइट ऑन हो गए हैं। अब आपको LCD डिस्प्ले स्क्रीन पर जाना होगा और डाउन एरो के ऊपर टैप करके यूएसबी ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना होगा बाय प्रेसिंग दी ओके बटन। ओके के ऊपर टैप करते ही ये देखिए, एलसीडी स्क्रीन पर पेन ड्राइव पर कॉपी किए गए हर एक फाइल्स को दिखाई दे रहा है। इनमें से चलिए किसी एक पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं बाय टैपिंग ऑन दी सिलेक्ट बटन और टैप ऑन ओके। इसके बाद यू हैव टू सिलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन बाय प्रेसिंग द ओके बटन। ये देखिए, कॉपियर मशीन इज रेडी टू प्रिंट। नाउ फाइनली यू हैव टू टैप ऑन द स्टार्ट बटन टू गेट द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड फाइल और डॉक्यूमेंट। स्टार्ट बटन के ऊपर टैप करते ही ये देखिए, वही PDF फाइल निकल रहा है, और ये देखिए वो फाइल प्रिंट होके निकल गया है। Now I am deselecting the printed file, which was selected earlier, by pressing the select button, or select the JPEG file by pressing the same button and press on OK, and then choose print option by pressing the OK button once more. Now the copier machine is ready to print, so you have to press on the start button. स्टार्ट बटन पर प्रेस करते ही ये देखिए, वो जेपेग वाला फाइल प्रिंट होके निकल रहा है, और ये देखिए प्रिंटेड जेपेग फाइल निकल गए हैं। अभी चलिए कैसे पेन ड्राइव को रिमूव किए जाते हैं वो देख लेते हैं। इसके लिए पहले आपको इस जेपेग फाइल को डिसलेक्ट करना होगा बाय प्रेसिंग दिस सिलेक्ट बटन बिलो, और बगल वाला जो मेनू ऑप्शन का सिलेक्शन बटन है उसी को दबाना पड़ेगा। दबाते ही ये देखिए, कुछ मेन्यूज आपको दिखाई दे रहा है। डाउन एरो प्रेस करके थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आके
रिमूव यूएसबी ड्राइव ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है बाय प्रेसिंग दी ओके बटन। प्रेस करते ही आप देख पाओगे एक मैसेज जहां पर शो हो रहा है कि नाउ यूएसबी ड्राइव कैन सेफली रिमूव्ड। प्रेस ओके बाय टैपिंग दी सिलेक्शन बटन। सो नाउ यू कैन सेफली रिमूव योर पेन ड्राइव फ्रॉम दी यूएसबी पोर्ट ऑफ दी क्योसेरा कॉपियर मशीन। तो इस तरह से आप कोई भी पीडीएफ और नहीं तो जेपेग फाइल को पेन ड्राइव के जरिए इस क्योसेरा कॉपियर मशीन से प्रिंट कर पाओगे। अब चलिए किसी डॉक्यूमेंट को क्योसेरा कॉपियर मशीन पर स्कैन करके कैसे पेन ड्राइव पर स्टोर किए जाते हैं वो देख लेते हैं, चाहे वो सिंगल साइडेड हो या डबल साइडेड। ये देखिए, ये एक डॉक्यूमेंट है वन साइडेड और एक है डबल साइडेड। तो चलिए दोस्तों, हम इस दोनों पेजेस को एक एक करके क्योसेरा कॉपियर मशीन पर स्कैन करके पेन ड्राइव पर स्टोर करते हैं। इसके लिए मैं इस पेजेस को पहले साइड पे रख देते हैं और पेन ड्राइव को यूएसबी पोर्ट पर फिर से इंसर्ट कर देते हैं ताकि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स स्कैन होके इसके अंदर स्टोर हो जाए। अभी हम स्कैनर के अंदर पहले एक साइडेड डॉक्यूमेंट को रख देते हैं और कंट्रोल पैनल पर जाके पहले की तरह डॉक्यूमेंट बॉक्स और यूएसबी बटन को प्रेस कर देते हैं। प्रेस करते ही आपको एलसीडी डिस्प्ले स्क्रीन पर जो यूएसबी ड्राइव ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसी को सिलेक्ट कर लेना है बाय प्रेसिंग दी ओके बटन। यहां आपको स्टोर फाइल के ऑप्शन को हाईलाइटेड रख के ओके बटन को प्रेस कर देना है। प्रेस करते ही ये देखिए, ये कॉपियर मशीन इज रेडी टू स्कैन। यहाँ पर नीचे दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक डुप्लेक्स और एक स्कैन रिजोल्यूशन। अगर आप डुप्लेक्स सिलेक्शन बटन को प्रेस करोगे तो आपको वन साइडेड एंड टू साइडेड ये दोनों ऑप्शंस देखने को मिलेगा, जिनमें से आपको किसी एक को चुनना होगा रिक्वायरमेंट के अनुसार। जैसे कि मैं यहाँ वन साइडेड को चुन रहा हूँ क्योंकि मैं अभी वन साइडेड पेज को ही स्कैन करने जा रहा हूँ बाय प्रेसिंग दी ओके बटन। और स्कैन रिजोल्यूशन बटन को प्रेस करके आप स्कैन का कोई भी रिजोल्यूशन को सेट कर सकते हैं प्रयोजन के अनुसार। जैसे कि मैं यहाँ 300x300 DPI को सिलेक्ट कर रहा हूँ बाय प्रेसिंग दी ओके बटन। इसके अलावा यू कैन सेट अदर सेटिंग्स बाय प्रेसिंग दी फंक्शन मेनू बटन। जैसे कि ओरिजिनल साइज, यानी जिस पेपर साइज का डॉक्यूमेंट आप स्कैन कर रहे हो उसको सेट करना। जैसे कि मैं A4 को ही रहने देते हैं क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट A4 साइज का ही है। ओरिजिनल इमेज ऑप्शन से आप किस तरह का डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हो उसको सेट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ टेक्स्ट प्लस फोटो ऑप्शन को ही रख देते हैं। स्कैन रिजोल्यूशन को आप यहां से भी सेट कर सकते हैं। कंटिन्यूअस स्कैन ऑप्शन को ऑन करके आप जितने चाहे एक साथ स्कैन कर सकते हैं। इसके बाद आता है फाइल फॉर्मेट, जो कि एक इम्पोर्टेंट सेटिंग है। आप PDF, TIFF, JPEG, XPS इनमें से आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई भी एक फॉर्मेट को चुन सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ PDF फॉर्मेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ बाय सिलेक्टिंग दी ओके बटन। डेंसिटी को सिलेक्ट करके आप इसको बड़ा और घटा भी सकते हैं। जैसे कि मैं इसको +1 कर देते हैं। ऐसा करके आप अपना हिसाब से इस सेटिंग्स को सेट करके स्कैन कर सकते हैं। आफ्टर सेट ऑल दिस यू हैव टू प्रेस ऑन द बैक बटन और प्रेस दी स्टार्ट बटन। ये देखिए स्कैन हो रहा है और ये देखिए स्कैन होके रजिस्टर्ड यानी स्टोर हो चुके हैं पेन ड्राइव पर। अब चलिए जो डबल साइडेड वाला डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करके देखते हैं। इसके लिए मैं इस डॉक्यूमेंट को स्कैनर के अंदर डाल रहा हूं।
अंदर डालने के बाद अब आपको अप एरो प्रेस करके स्टोर फाइल ऑप्शन को ओके कर देना है। नाउ टैप ऑन द डुप्लेक्स सिलेक्शन बटन एंड सिलेक्ट टू साइडेड बाय प्रेसिंग द ओके बटन। लेकिन टू साइडेड करते ही ये कह रहा है कि प्लेस ओरिजिनल्स इन द डॉक्यूमेंट प्रोसेसर। सो अब हमको इस डबल साइडेड डॉक्यूमेंट को स्कैनर में से निकल लेना है और ADF यानी ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर के अंदर डाल देना है। ADF के अंदर डालते ही ये देखिए कॉपियर मशीन इज रेडी टू स्कैन द डबल साइडेड डॉक्यूमेंट। नाउ प्रेस ऑन द स्टार्ट बटन। स्टार्ट के ऊपर प्रेस करते ही ये देखिए इस डॉक्यूमेंट का दोनों साइड एक साथ स्कैन हो रहा है और ये देखिए डॉक्यूमेंट स्कैन होकर रजिस्टर्ड यानी पेन ड्राइव पर स्टोर हो चुके हैं। ये देखिए पहले वाला डॉक्यूमेंट और ये है दूसरा। नाउ प्रेस ऑन बैक बटन। टैप ऑन मेनू सिलेक्शन बटन। सिलेक्ट रिमूव USB ड्राइव एंड प्रेस ऑन ओके टू रिमूव द पेन ड्राइव इन प्रॉपर वे। अभी हम इस पेन ड्राइव को निकल लेते हैं। Now press on the copy button to return into the idle page where the Kyocera copier machine is ready to copy. अब चलिए एक बार देख लेते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स को मैंने थोड़ी देर पहले स्कैन करके पेन ड्राइव पर स्टोर किए थे वो ठीक से स्टोर हुए कि नहीं। अब मैं मेरा पेन ड्राइव को पीसी में लगा के इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही ये देखिए पहले वाला चारों फाइल्स और उसी के साथ ये दिखाई दे रहा है दो PDF फाइल्स जो मैं अभी अभी Kyocera कॉपियर मशीन पर स्कैन करके इस पेन ड्राइव पर स्टोर किए हैं। ये देखिए पहला डॉक्यूमेंट वन साइडेड वाला और ये है दूसरा डबल साइडेड वाला। तो इस तरह से आप भी पेन ड्राइव के जरिए Kyocera कॉपियर मशीन से प्रिंट निकल सकते हैं और डॉक्यूमेंट को स्कैन करके पेन ड्राइव पर स्टोर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। इफ सो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।